हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति जोशी सत्यम क्लासेस से. आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स. जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. बिफोर आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर, लेट वी डिस्कस प्रीवियस लेक्चर. उसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट इज पॉलीनोमियल, होता क्या है, फिर बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, देन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, क्विक रिविजन कर देते हैं कि मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म होगी, बाइनोमियल मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें दो टर्म होगी, एंड देन लीनियर पॉलीनोमियल मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी. जिसकी डिग्री 3 है ऐसा पॉलीनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल. एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता देती हूँ. दी हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल, जो भी आपकी वेरिएबल है आपके पॉलीनोमियल के अंदर, उसके अंदर जितने भी टर्म है उस टर्म में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है दैट पावर इज द डिग्री ऑफ योर पॉलीनोमियल. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 2.1. हमने दो एग्जाम्पल तक किया था, आज हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल. क्वेश्चन क्या है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मतलब आपको एक एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल पोलिनोमियल का और मोनोमियल पोलिनोमियल का. बट कंडीशन ये है कि बाइनोमियल जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और जो मोनोमियल है उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए. तो हमें पता है कि बाइनोमियल मतलब हैविंग टू टर्म्स, और उस दो टर्म के अंदर हाइएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए. तो आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो इस बार हम ले लेते हैं, दो टर्म लेना है बट हाईएस्ट डिग्री 35. तो लेट अस से एक्स रेज टू 35 प्लस 2, तो ये हो गया अपना पॉलीनोमियल, है ना. अभी आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे हम ले लेते हैं 5x रेज टू 35 प्लस 7x रेज टू 2, ये भी ले सकते हैं, है ना. मतलब आपको खाली कितना काम करना है कि डिग्री आपका हाईएस्ट 35 होना चाहिए और टर्म कितने होने चाहिए, दो ही टर्म होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. फिर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एक्स रेस टू 35 प्लस लेटेस्ट से 7x रेस टू 25, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर एक्स रेस टू 35 प्लस एक्स रेस टू कुछ भी नहीं लेना है, 1 ले लो, ये भी एक पॉलीनोमियल है. ठीक है, तो दिस आर दी बाइनोमियल ऑफ हैविंग डिग्री 35. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं. देन मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, सॉरी डिग्री 100, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. ऐसा पॉलीनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म है और उसका डिग्री 100 है, तो एक्स रेस टू 100, एक टर्म भी आ गया, डिग्री 100 भी आ गई. ऐसे भी ले सकते हो 7x रेस टू 100, कोएफिशिएंट तो कुछ भी ले सकते हैं. देन 3x रेस टू 100, ये भी आपके सारे मोनोमियल है हैविंग डिग्री 100. तो ऐसे करके आप इस एग्जांपल के लिए बहुत सारे आंसर्स फाइंड कर सकते हो. लेट अस मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन नंबर 4. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल. हमें क्या करना है कि जितने भी पॉलीनोमियल्स दिए यहाँ पे उसका डिग्री फाइंड करना है. अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हमने रिवीजन किया कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, कि जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर इज डिग्री ऑफ योर पॉलीनोमियल. तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है. अब एक सारे ही टर्म्स में देखिए कि एक्स का पावर कितना है. देखिए, थर्ड टर्म में एक्स का पावर 1 है, सेकेंड में एक्स का पावर 2 है, इन योर फर्स्ट टर्म एक्स का पावर इज 3. तो आप सोच सकते हो कि बड़ा पावर कौन सा हो गया, 3 वाला, है ना. तो ये जो पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल्स टू 3. सेकेंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर. तो अब देखिए, फर्स्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर तो डिग्री कितना है, टू, तो एक ही टर्म में डिग्री है तो वही आप सॉरी पावर है तो वही आपका डिग्री हो जाएगा कितना, टू। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में देख लीजिए, फाइव टी माइनस रूट सेवन, तो यहाँ पे ये टी का पावर कितना है, वन, और ये जो है वो पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे और एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब कोई वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट कोई कांस्टेंट वो आपका स्क्वायर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है जिसमें वेरिएबल है जिसका पावर वन है, तो जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो भी कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट दिया है और कुछ नहीं दिया है, जब कॉन्स्टेंट होता है उसके साथ भी वेरिएबल होता है लेकिन उसका पावर कितना होता है, जीरो, क्योंकि हमें पता है कि किसी का भी पावर जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो विल बी वन, तो यहाँ पे पावर कितना है, जीरो। तो डिग्री कितनी हो गई आपकी, जीरो हो गई। जब कॉन्स्टेंट दिया है, एनी टाइम वेन एवर दे आर गिवन कॉन्स्टेंट, तो एट दैट टाइम द डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ओके, ये याद रखना है। अब हम करते हैं आगे के एग्जांपल्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है कि अपने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री, इफ यू हैव डिग्री वन ऑफ योर पॉलिनोमियल देन दैट पॉलिनोमियल इज लीनियर, इफ योर पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री टू देन उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और हैविंग डिग्री थ्री तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये बताने के लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ आवर पॉलिनोमियल, है ना, कि डिग्री है क्या हमारे पॉलिनोमियल का, यही चेक करेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो पहले सारे क्वेश्चन में डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए, डिग्री अभी हमने थोड़े क्वेश्चंस किए थे तो आपको आ चुका होगा कि डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का पावर वन है, ये फर्स्ट टर्म में एक्स का पावर टू है, तो हाईएस्ट कितना हुआ, टू हुआ। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही अपनी डिग्री होती है। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, टू, तो क्लासिफिकेशन में पॉलिनोमियल का टाइप कौन सा आएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री वन, यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री होता है, तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री टू, तो ये कौन से टाइप का हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, देन अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें पावर कितना है, वन, सेकेंड टर्म में पावर थ्री, तो हाईएस्ट पावर कितना है, थ्री, एंड दैट विल बी अवर डिग्री। तो थ्री पावर, डिग्री का थ्री जब होता है, सॉरी डिग्री थ्री जब होता है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम डिग्री फाइंड करते जाएंगे एंड उसका टाइप लिखते जाएंगे, फर्स्ट में पावर वन, सेकेंड में पावर टू, और थर्ड वाला जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो हाइएस्ट कितना हुआ, टू, ठीक है। तो टू जब होता है डिग्री तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ वाला, अगेन डिग्री फाइंड कीजिए, पहले फर्स्ट टर्म तो कॉन्स्टेंट है, सेकेंड टर्म का पावर कितना है, वन है, तो डिग्री कितना हो गया, वन। जब वन डिग्री होता है तब हम उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर। आप ऐसे याद रख सकते हो ब्रैकेट बना के, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने नोट्स में बनाया था कि ये डिग्री का कॉलम और ये उसका टाइप, ठीक है। तो जब वन डिग्री होता है तो लीनियर, अगर टू होता है तो क्वाड्रेटिक, और थ्री होता है तो क्यूबिक, ठीक है। अब डिग्री फाइंड कर लीजिए, यहाँ पे एक ही टर्म दिया है थ्री टी, अब टी का पावर कुछ नहीं है तो वन तो होगा ही,
तो डिग्री भी कितना हो गया 1, और 1 डिग्री होता है तो टाइप कौन सा होगा? लीनियर टाइप का होगा। अब देखिए आगे आर स्क्वायर, मतलब ऐसा नहीं है कि आर है तो क्या होगा, वो आर भी आपका क्या है, वेरिएबल ही है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, बिटवीन ए टू जेड कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे आर का पावर कितना है, 2, और एक ही टर्म है, पावर 2 है, तो दैट विल बी योर डिग्री। ओके, और उसको हम क्या बोलेंगे, जब डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक। ओके, देन नेक्स्ट वाला 7x³, एक ही टर्म है, पावर 3 है, तो डिग्री इज ऑब्वियसली 3, और 3 डिग्री होती है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना मतलब क्या, कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम उस नंबर को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर रहे एट प्लेस ऑफ योर वेरिएबल, देन योर आंसर विल बी जीरो। ओके, उसको हम बोलेंगे उसका जीरो, मतलब ऐसा एक नंबर जिसका पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल के जगह पे रिप्लेस कर रहे हो तो आंसर आपको जीरो मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स के टर्म्स में कोई पॉलिनोमियल है, अब आप एक्स की जगह पे सी रख रहे हो, सी कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब पी ऑफ सी जब आप फाइंड कर रहे हो तो आंसर कितना मिलेगा, जीरो। पी ऑफ सी मतलब क्या, कि एक्स की जगह पे पॉलिनोमियल में सी रखना, तो आंसर जीरो मिल रहा है, तो इस सी को हम बोलेंगे वन ऑफ दी जीरो ऑफ योर पॉलिनोमियल। और जीरोस कितने मिलेंगे, ठीक है, और एक बात के जीरोस मतलब क्या, कि एक्स का वैल्यू, ऐसा एक्स का वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो बनता है, तो इतने एक्स के कितने वैल्यू मिलेंगे, कितने जीरोस मिलेंगे, जितनी डिग्री होगी उतने आपको जीरोस मिलेंगे। अगर आपका पॉलिनोमियल का टाइप लीनियर है तो डिग्री 1 हुई तो एक जीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो मिलेगा, जीरोस मिलेंगे, देन क्यूबिक है तो 3 जीरोस मिलेंगे। आइए एग्जांपल्स करते हैं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए उसका, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। तो हमें चेक करना है कि दे आर गिवन टू नंबर्स -2 and 2, तो हमें चेक करना है कि ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। तो जीरोस है या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल में x रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हियर पॉलिनोमियल कौन सा है, पी ऑफ एक्स, x+2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही 1 by 1 चेक करेंगे, पहले -2 को कर लेते हैं। तो पी ऑफ -2 मतलब एक्स की जगह पे -2 रखना है, एक्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, तो वहां पे क्या रखेंगे हम, -2 + 2, हमें बताया 2 - 2 विल बी व्हाट, 0। ऐसे ही पी ऑफ 2 फाइंड कर लीजिए, मतलब क्या करना है, एक्स की जगह पे अब 2 रखना है, तो 2 और ये +2 तो था ही, तो 2 + 2 = 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि -2 जिससे हमें 0 मिल रहा है इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये अपना आंसर हो गया। 2 नहीं होगा उसका 0, क्यों, क्योंकि उसका आंसर 4 मिल रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए हमारे आंसर में हमारा 0 कौन सा होगा, ओनली -2, 2 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम अपने जीरोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1। अभी हमें क्या करना है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है कि हम चेक करें कि नंबर हमारा उसका जीरो है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है, सॉरी फाइंड करना है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरो क्या होगा, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1। अब जब भी जीरोस फाइंड करना होता है तो आप पॉलिनोमियल को कंपेयर कर दीजिए जीरो से, तो 2x+1 इज इक्वल टू 0। अब उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिए जिससे आपको x का वैल्यू मिले। अब देखिए x का वैल्यू चाहिए तो x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा, 1 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड देन
एक्स ही चाहिए, टू नहीं चाहिए। टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में है, सामने जाएगा तो डिविजन में डिनोमिनेटर में जाएगा। तो एक्स का कितना वैल्यू मिला? -1/2। तो ये अपना क्या हो गया? जीरो हो गया फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। कितने जीरोज मिलेंगे कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? वन है। तो यहाँ पे जीरोज भी कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा, और वो कौन सा है? -1/2। ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x²-2x। वापस हमें चेक करना है, दो जीरोज दिए, तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल किया था ना, हम ऐसे ही चेक करेंगे कि हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-2x। अब पहले 2 को रख के चेक करेंगे, पी ऑफ 2 फाइंड करेंगे। जहां पे भी x है वहां पे 2 रखिए, मतलब x इज रिप्लेस्ड बाय 2। तो 2² - ये 2 एज इट इज, ये x की जगह पे वापस से 2। जहां पे x है वहां पे 2 रखा है और कुछ नहीं किया है। अब उसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2² कितना होता है? 4। -2 2 कितना होता है? 4। 4 - 4 आंसर इज 0। अब 0 रख के चेक कर लीजिए, p ऑफ 0, x जहां पे वहां पे 0 रखिए, 2 एज इट इज, यहाँ पे भी 0। नाउ 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 2 × 0। 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी 0। तो 0 - 0 गिव्स व्हाट? अगेन 0। सो एज आई सेड के व्हेनेवर योर आंसर इज 0, देन दे आर जीरोज ऑफ योर पॉलिनोमियल। जब भी आपको आंसर 0 मिलता है, तब वो जो नंबर्स है वो आपके पॉलिनोमियल के जीरोस है। मतलब यहाँ पे तो दोनों ही केस में आंसर 0 मिला। मतलब क्या कि हियर 2 and 0 बोथ आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस ये दोनों है। वैसे भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना था? सॉरी, हाईएस्ट पावर कितना था? 2। तो डिग्री इज अगेन 2। तो कितने मिलने वाले थे जीरोस? जितनी डिग्री है उतने। तो डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 मिलेंगे, और वो कौन से है? 2 and 0। तो ये हो गया ऑल अबाउट जीरोस। तो इन दिस लेक्चर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।